मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज है 30th of December। ये हमारा इस साल का लास्ट व्लॉग होने वाला है, लास्ट वर्कआउट भी होने वाला है। जो हमने इससे पहले वाला व्लॉग शूट किया था, जब मैंने नी इंजरी के बारे में बताया था, दैट वाज ऑन 13th of December। और थोड़ी देर में हम जिम जाने वाले हैं, उससे पहले हम अपना प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट शेक, जो यूजुअल रूटीन रहता है, वो बनाएंगे। तो लास्ट व्लॉग के बाद मैं सीधी आज वीडियो बना रहा हूँ, बिकॉज आई वॉज मोस्टली फोकसिंग ऑन जस्ट ईटिंग वेल, ट्रेनिंग अच्छे से, अपना रिहैब करने पे। तो आज एक टाइप से अपडेट वीडियो भी कह सकते हो आप, होएगा। मेरा घुटना बहुत बेटर है पहले से, आई एम एबल टू वॉक एंड मैं स्किपिंग भी कर पा रहा हूँ। तो जो स्टार्टिंग के इनिशियल डेज थे, उसमें तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था। नाउ एटलीस्ट मैं एक डीप स्क्वाट में बैठ पा रहा हूँ, साइड लंज भी कर पा रहा हूँ, जैसे आप लोगों ने सुबह जो मैं स्ट्रेचिंग करा था उसमें देखा होगा। बट स्टिल जो ऐसे नी जॉइंट के पीछे, मतलब हैमस्ट्रिंग और काफ वाली एरिया में बहुत ज़्यादा अभी टाइटनेस फील होती है। मे बी दैट वॉज बिकॉज ऑफ द सिस्ट जो एमआरआई में दिखाया था, बट वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो अभी भी मैं आइसिंग कर रहा हूँ एंड आई एम टेकिंग विटामिन सी कोलाजन सप्लीमेंट टू एक्चुअली हेल्प मी गेट थ्रू दिस, एंड वो रिकवरी में हेल्प करेगा। तो जो बाकी रिहैब रहता है मेरा, वो आई एम कंटिन्यूइंग। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि और 1-1.5 महीने तक आई विल बी एबल टू जॉग, इफ़ नॉट रन, इफ़ नॉट स्प्रिंट, बट एटलीस्ट बी एबल टू जॉग। क्योंकि पहले अगर मैं ऐसे नी बेंड करता तो मेरे इधर काफ़ी ऐसे पिंजिंग सी सेंसेशन आती थी, लेकिन अभी वो कम हो गई है। एंड आई ऑल्सो इनकॉर्पोरेट काफ़ी जो रिहैब मूवमेंट्स होती है, सिंगल लेग हिंजेस, लाइक स्टेप डाउन्स, हाइट स्टेप डाउन्स, बैक स्टेप डाउन्स, एंड एक दैट रियली हेल्प्स इन, मतलब जब हम स्टेयर्स उतर रहे होते हैं तो एक टाइप से हम सिमिलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। एंड हैमस्ट्रिंग कर्ल हो गया, हाफ लेग प्रेसेस हो गया, वो भी अब धीरे धीरे कर पा रहा हूँ। आई एम एबल टू लोड अप ऑन दीज लेग मूवमेंट्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर मैसेजेस, ऑल योर सपोर्ट, जिन भी लोगों ने मेरे को मैसेज किया आफ्टर माई लेग इंजरी। बट एनी वे, आज हम जाएंगे हमारा इस साल का लास्ट वर्कआउट करके आएंगे, विच विल बी अ चेस्ट एंड अ बैक फोकस्ड वर्कआउट। तो गाइज, हमारे प्री और पोस्ट वर्कआउट शेक रेडी हो चुके हैं। नाउ प्री वर्कआउट शेक के बारे में तो मैंने बहुत बता रखा है, बट मेरे पोस्ट वर्कआउट शेक में क्या क्या डलता है, दैट इज़ 1 स्कूप वे प्रोटीन कोई भी फ्लेवर का, अबाउट 40-50 ग्राम ग्लूकोज एंड 5 ग्राम क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट का पाउडर। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट एक बहुत ज़्यादा अंडररेटेड सप्लीमेंट है, जो आपको हेल्प करेगा मसल साइज और स्ट्रेंथ बिल्ड करने में। कैसे, आप सोच रहे होंगे? क्रिएटिन एक्चुअली हमारी बॉडी में ATP का प्रोडक्शन बढ़ा देता है। ATP बेसिकली इज़ द रेडिली अवेलेबल एनर्जी जो आपकी बॉडी में होती है। जैसे हम अगर PR अटेम्प्ट्स कर रहे हैं, या फिर अगर हम स्प्रिंट्स मार रहे हैं, जिससे अगर आप 3-4 reps परफॉर्म कर रहे हो, तो दैट विल हेल्प यू गेट 1 more additional rep, और इट यू विल फील दैट यू हैव मोर एनर्जी दैट्स अवेलेबल टू यू। इन दैट पर्सपेक्टिव, व्हेन यू लिफ्ट मोर, व्हेन यू आर परफॉर्मिंग मोर रेप्स और यू लिफ्टिंग मोर वेट, दैट विल इवेंचुअली कॉन्ट्रीब्यूट कि आपकी मसल ग्रोथ में। तो अगर आप लोगों को भी बूस्ट देना है अपने मसल मास और स्ट्रेंथ को, तो मेक श्योर टू चेक आउट दिस प्रोडक्ट बाई क्लिकिंग द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। एंड While ordering, you can use my code SIDMB to support me and also get extra discount at checkout. बहुत सारे लोग इसको स्टार्ट करते हैं एक लोडिंग फेज से, जहाँ पे वो रोज़ 5-5 ग्राम दिन में 4 बार लेते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 5 डेज। पर्सनली मेरे को जस्ट एक रेगुलर 5 ग्राम्स ऑफ डोजेज कंफर्टेबल रहती है। एंड कुछ लोग बोलेंगे कि आपके बॉडी में वो क्रिएटिन लेवल सैचुरेट होने के लिए 21 दिन लगेंगे अगर आप ऐसे करोगे, वेयर एज लोडिंग फेज से आप 5 दिन में कर लोगे। यू कैन एक्सपेरिमेंट, यू कैन सी वॉट वर्क्स फॉर यू, बट दिस इज़ वॉट आई डू। तो जैसे मैंने बोला, मैं अपने पोस्ट वर्कआउट शेक में ये 5 ग्राम क्रिएटिन डालता हूँ एंड यू आर ऑल गुड टू गो। तो कल जो मैंने वर्कआउट किया था, उसमें मैंने ओवरहेड प्रेसेस किए थे, डम्बल शोल्डर प्रेसेस किए थे, एंड एक बैक की मूवमेंट करी थी, ट्राइसेप की करी थी, और एक और शोल्डर का सुपर सेट किया था। तो वो वर्कआउट है जो मैंने लास्ट ईयर मार्च के आसपास मैं कर रहा था। अगर आप लोगों को याद हो, हिटिंग HPPRs विथ 3 hours ऑफ स्लीप वाला जो ब्लॉग था, बेसिकली ये वही वर्कआउट है पूरा। तो अभी उससे पहले मैं ऐसे बेंच प्रेस कर रहा था रोज़ युग भाई के साथ। तो अभी आज जो हमारा वर्कआउट होने वाला है, उसमें आई विल बी गोइंग बैक टू इंक्लाइन डम्बल प्रेसेस, एंड उसके फॉलोड अब इंक्लाइन डम्बल प्रेसेस, एक और चेस्ट की मूवमेंट करेंगे, एक बैक की मूवमेंट करेंगे, एंड उसके बाद फिर रियर डेल्ट की मूवमेंट करेंगे एंड एक बाइसेप की मूवमेंट। तो ये आज का वर्कआउट रहने वाला है हमारा, बाकी जो रहेगा आप वीडियो में देख लोगे। ये जो आप टी शर्ट देख रहे हो,
ये 11 साल पहले की टी शर्ट है जब मैंने ट्रेनिंग जस्ट स्टार्ट ही करी थी और तब मेरे को ये बहुत खुली आती थी और अभी आप देख सकते हो काफ़ी भर गया हूँ इसमें मैं। तो तब की वाली जो टी शर्ट्स हैं आप बहुत अलग तरीके से फिट हो रही हैं और ये अपने आप में एक बहुत मोटिवेटिंग लगता है बिकॉज आप सोचा करते कि यार उन टी शर्ट्स में से कभी ऐसे शेप बन के आएगी, ऐसे कट्स दिखेंगे मसल वगैरह के। तो अ डेकेड लेटर इट्स फाइनली हैपनिंग। टुक अ लॉट ऑफ टाइम देन एक्सपेक्टेड, लगा था कि हाँ 2 साल में बन जाएगी जॉन सीना जैसी बॉडी, बट नहीं, बट ठीक है, गेटिंग देयर। To the races, just finished lacing the laces. They need a little persuasion. It's not a one-time occasion. Look, mama, now I made it. Hard work, dedication. From the bottom to the top, love for all y'all, saw his elevation. Hey, I'm pushing the button. I see you up at the summit. I'm in my worried stance. They got a problem to tell them to run it. I never back down. Got the whole squad where you at now. Let the smoke clear in the background. You ain't know where you know now. इसी के साथ हमारा आखिरी वर्कआउट इस साल का समाप्त होता है। 2020 ऐसा लग रहा है अभी बस एक साल पहले ही था। बट एनीवे, टू रिकैप दिस पास्ट ईयर, बहुत बहुत एक्सपीरियंस फिल्ड ईयर था ये। मैंने 4 मार्शल आर्ट के कैंप अटेंड किए। लाइक इस साल मैंने इतनी ज़्यादा मार्शल आर्ट्स में प्रोग्रेस करी है जितनी मैंने पिछले 4 साल में नहीं करी है। मैंने एक इंटरनेशनल ट्रिप भी मारी उस कंट्री में जो मैं बहुत टाइम से मन था घूमने का, इंडोनेशिया, स्पेसिफिकली बाली ही घूमा मैंने, जकार्ता या कहीं और मैं नहीं गया दूसरी सिटी में। बट एनी वे स्टिल 15 दिन बाली घूमना फेनोमिनल एक्सपीरियंस। तो जैसे अगर आपको याद हो, मैंने अज़रबैजान की एक वीडियो में बोला था कि मेरे को साल में 2 इंटरनेशनल ट्रिप मारनी है एंड उसके लिए मेरे को काफ़ी सेव करना पड़ेगा बिकॉज एवरेज कॉस्ट एक इंटरनेशनल ट्रिप की आपकी 1,20,000 तो पड़ ही जाती है। आई मीन जैसे नया साल स्टार्ट हो रहा है, बहुत सारे लोगों के अपने गोल्स होंगे, अपनी एक्सपेक्टेशंस होंगी कि 2024 में ये करना है, वो अचीव करना है और इस चीज़ में और अच्छे से इम्प्रूव करना है। आई एम श्योर आप सबके पास कोई ना कोई चीज़ होएगी, कोई एक स्किल होएगी या बिजनेस होएगा जिस पे आप लोग काम कर रहे हो। सम ऑफ़ यू माइट बी वर्किंग, सम ऑफ़ यू माइट बी इन कॉलेज। दे आर सम सर्टेन एक्सपेक्टेशन जो आप अपने आप से करते हो कि यार ये चीज़ अचीव करनी है खुद के लिए। एंड स्पेशली व्हेन यू डोंट सी द नीडल मूविंग फॉरवर्ड कि यार इतना ज़्यादा मैं टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा एफर्ट है, बट स्टिल वो एक्सपेक्टेड जो आउटकम है या रिजल्ट है वो नहीं मिल रहा है। तो वन फ्रेज दैट रियली हेल्प मी एंड मैंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में भी लिख रखे है, दैट द लास्ट थिंग टू ग्रो ऑन अ ट्री इज द फ्रूट एंड यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द सीड टू टर्न इन टू अ फ्रूट बिफोर इट्स ड्यू टाइम। थिंक अबाउट इट फॉर अ मिनट, दैट द लास्ट थिंग टू ग्रो ऑन अ ट्री इज द फ्रूट। एनी वे, ऑन दिस नोट वी एंड आवर टुडेज वीडियो, वी एंड द लास्ट वीडियो ऑफ दिस ईयर। आई होप आप लोगों को अपनी जर्नी में कुछ हेल्प मिली। Anyway, thank you so much for watching and I'll see you next year in the next video. Peace out. Ah!